ओहो, ये बार्बी डॉल कहाँ चल दी है? बॉल कैसे अटकी हवा में? सॉरी दीदी। उस दिन भी वो माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन की तरह हवा में अटक गई थी। और आज ये बोल, हे कविता, कहीं तेरे दिमाग का पेच तो ढीला नहीं हो गया? किसे बताऊं, किसे बताऊं, किसको बता भी तो नहीं सकती। बताऊंगी तो बोलेंगे कि कविता का सर घूम गया है। मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। बहुत सीरियस, बहुत सीरियस है ये। डॉक्टर को दिखाती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है, मस्त। हाँ जी, उधर उधर पकड़ो, आइए आइए, सीधा रख, एकदम बराबर रखना, बराबर बराबर। हाँ भैया, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है भाई? उल्लू, प्लानिंग चल रही है एक छोटे से कैफे की। क्या हमारा नमकीन का ब्रांड वैसे ही फेमस है कि नहीं? ठंडा लग गया। ठीक है। अच्छा जीजे, मैं क्या सोच रहा हूँ, किचन हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है? और काउंटर रहेगा यहाँ पे ऐसे। इसको बराबर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कर देंगे। हा? फिर वहाँ पे भी एक टेबल चेयर अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये एक बार नाप लेते हैं यहाँ से। हाँ, और साले साहब, इधर से पकड़। अरे बर्थडे बॉय, 72। जन्मदिन मुबारक हो। घर पे आप अपने हिस्से में मिले नहीं तो विश करना रह गया। हैप्पी बर्थडे साले साहब। थैंक यू वेरी मच जीजे। ये इन स्टेप से क्या नाप रहे हैं? अरे जीजे, मैं यहाँ पर एक बुटीक खोल रहा हूँ तो उसी का हिसाब लगा रहा था। एक्चुअली क्या है, माया ने ना ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि एक बुटीक खोल लेते हैं। पर बुटीक खोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। नमकीन की दुकान है, यहाँ पे एक छोटा सा कैफे उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, बुटीक नहीं तो सेंसलेस बात है। ओ सेंसिबल इंसान, हमने जो ये सेंस का ज्ञान है ना, कहीं और जाके झाड़ना। यहाँ तो बुटीक ही खुलेगा। हाँ, और मेरे पास फाइनेंस है, मैंने अपने ससुर के पास ले लिया है, बुटीक तो यही खुलेगा। वाह, शर्त लगी थी हमारी और एक ही कंडीशन थी कि ससुर से हेल्प नहीं लेंगे, और आप उन्हीं से ले लिए हेल्प। उसे हेल्प नहीं कहते बेटे, फाइनेंस कहते हैं, उधार। मैंने उनसे उधार लिया है और बाकायदा उसका एक अग्रीमेंट साइन किया है मैंने कि मुझे वो पैसे उनको इंटरेस्ट के साथ चुकाने, उसे कहते हैं फाइनेंस। अब देखो जीजे, कैसे धड़ाधड़ पैसे कमाता हूं। पैसे कमाकर इसके मुंह पे मारूंगा, इसका हिस्सा खरीदूंगा और इसे How's that? अरे मेरी वित्त मंत्री बताओगी क्या करने वाली उस 15,000 का? वैभव कैफे खोलना चाहता है और रोहित भैया बुटीक। मैं सोच रही हूँ हमें भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। बिजनेस? अरे यार हम क्या बिजनेस करेंगे? वैभव को खाना बनाने आता है और माया जी को फैशन। वैसे हम क्या करेंगे? अरे कोई तो चीज होगी जिसमें अच्छे हो हम दोनों। हाँ है ना, तुम डांटने में, मैं डांट खाने में, खाना खाने में, टीवी देखने में। अरे बहुत सारी एक्सपर्टीज है अपनी। यार तुम हर बात में मजाक क्यों करते हो? अरे मजाक तो तुम कर रही हो अदिति, हम क्या करेंगे बिजनेस?
आइडिया, आईएएस की तैयारी की ना हमने तो हम कोचिंग डालेंगे, कोचिंग के बिजनेस में ना बहुत पैसा है। हम आईएएस की कोचिंग कराएंगे? हाँ। अरे हम पढ़ाएंगे, अरे हमसे कौन आईएएस पढ़ने आएगा, हमारा तो खुद नहीं निकला था, कौन सा हम यहाँ विद्वान शास्त्री बने पढ़े जो हमसे पढ़ने आएगा कोई। अरे वर्ल्ड कप की तैयारी ना सही, रणजी ट्रॉफी की तैयारी तो करवा ही सकते है ना। शास्त्री नहीं तो रवि शास्त्री, ये क्या क्रिकेट 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 किसको सिखाना है यार। अरे मेरा कहने का मतलब है हमने आईएएस की तैयारी करके इतनी नॉलेज गेन तो कर ही ली है कि हम एचएससी और एसएससी की तैयारी करवा सके। दीदी तुम्हारे कहने का मतलब है दसवीं और बारहवीं को तुम पढ़ा ही सकते है। हाँ। अरे तुम तो इतनी ब्रिलियंट हो यार पढ़ने में, मैथ में तो तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ सकता कोई, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है यार, कोचिंग खोलेंगे कहाँ पे, जगह कहाँ है? किराए का तो इंतजाम हो गया है, अब बस जगह मिल जाए रेंट पे लेने के लिए। अवेलेबल है ना रेंट के लिए? हाँ यार, उनके जेल जाने के बाद तो ये दुकान कोई ले ही नहीं रहा। हाँ तो बस उन्हीं से बात करेंगे और देखना रेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन डैडी जी, वो रूपचंद का नाम सुनते उनका वेलकम फट जाएगा, वो नहीं मानेंगे। पापा जब मेरा बिजनेस प्लान सुनेंगे ना तो कुछ नहीं कहेंगे। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, तुम यहाँ फोकस दो, रोहित भैया और वैभव जो दोनों कह रहे हैं ना, हम दोनों एक दूसरे का हिस्सा खरीदेंगे। लेकिन देखना उन दोनों से पहले मैं उनके हिस्से का पैसा जमा कर लूंगी और फिर दोनों भाइयों को दे दूंगी मैं उनके पैसे, और फिर देखना वो घर पूरा का पूरा मेरा होगा। हेलो। हाँ पांडे जी, कोई ढंग की जगह मिली कैफे के लिए? देखिए वैभव जी, ढूंढ तो रहा हूँ पर जगह मिल नहीं रही कहीं पे। अरे सुनिए पांडे जी, हमें ना जगह एकदम मार्केट के बीचों बीच चाहिए, यहाँ पे कैफे का बिजनेस अच्छे से चले, लोग आए कैफे में, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, और उसी के साथ साथ ना आपकी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे एग्रीमेंट बनाने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पेपर्स लेके पहुँचता हूँ। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.